इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है और आज हम बात करते हैं इस्लामी खिलाफत, रामराज और मौजूदा हुकूमतों के ताल्लुक से। जब कभी इस्लामी खिलाफत की बात या तस्वीर आता है तो खुलफाए राशिदीन और बाद के कई एक खलीफा का सुनहरा और अमन व आमान वाला दौर याद आता है, जहां हर मज़हब का मानने वाला खुशहाल था, इंसाफ के फैसले किसी के मुकाम व मर्तबे या मज़हब के बुनियाद बनाकर नहीं दिए जाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की निज़ाम हुकूमत रहती दुनिया तक के लिए मशाल राह हैं। इंसाफ की सरबुलंदी के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी औलाद तक को नहीं बख्शा। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा अपने बेटे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और एक खादिम के साथ हमराह सफ़र थे कि एक यहूदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कीमती ज़रा लेकर भाग गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बावजूद वहाँ के हुक्मरान और खलीफा रहते हुए भी उस यहूदी के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा दायर किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी शुरई, जिनकी इंसाफ की मिसालें आज भी यूरोप की यूनिवर्सिटियों में दी जाती हैं, ने मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से गवाह तलब किए। गवाह के तौर पर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे और ग़ुलाम को पेश किया तो काजी शुरई साहब ने इनकार करते हुए कहा कि बाप के हक में बेटे की और मालिक के हक में ग़ुलाम की गवाही शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ है। फिर काजी साहब ने यहूदी से पूछा तो यहूदी ने हलफ यानी कसम लेते हुए ज़िरा की मिल्कियत अपनी बताई और इस तरह मुकदमे का फ़ैसला वक्त के खलीफा के ख़िलाफ़ दिया गया। मुकदमे के बाद दौरान गुफ्तगु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चीफ़ जस्टिस काजी शुरई साहब, जो आपके शागिर्द भी थे, से कहा कि आपने आज मुकदमे की समाअत में इंसाफ नहीं किया। आपने मेरा नाम तो लकब यानी कुनियत का इस्तेमाल करते हुए लिया, जो कुनियत अब्दुल हसन के नाम से हज़रत अली को इस्तेमाल किया जाता था, कहते हुए मुखातिब किया, जो कि अरब की तहजीब में किसी को इज़्ज़त बख्शने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने कुनियत के साथ दूसरे फरीक यानी वो यहूदी को नहीं बुलाया, जो कि एक किस्म का फ़र्क और नाइंसाफ़ी थी। ये बातें बाहर यहूदी सुन रहा था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर कहता है कि मैं गलत और चोर था, ये लो ये ज़िरा भी आपकी और मैं भी आपका। ये थी इस्लामी खिलाफत और इसका इंसाफ। बात कहने की ये है कि आज के दौर में कोई मुस्लिम हुकूमत जिसमें अवाम की भलाई नहीं है, हुकूमत में इंसाफ कायम नहीं है, ऐसी हुकूमत का होना बेकार है। आइए अब हम रामराज की कुछ अच्छी बातों का जिक्र करते हैं। रामराज का अहम तस्वुर प्रजा को आर्थिक रूप से बचाना है, अमीरी और गरीबी के फ़र्क को मिटाना है और दूसरे मज़हब के माबैन अच्छे ताल्लुकात को उस्तवार करना है। लेकिन अफसोस, आज की हुकूमतें प्रजा को ही लूट रही हैं और हर मुहाज पर प्रजा को ही परेशान कर रही हैं। अगर राम जी और भरत जी का संवाद यानी कन्वर्सेशन हम पढ़ लें तो हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। राम जी कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार नील हो, प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए प्रजा के बीच जाना चाहिए, विकास की योजना जल्द शुरू होनी चाहिए, राज
प्रजा से सुझाव ले और तभी प्रजातंत्र होता है। सुरक्षा ऐसी हो कि लोग निर्भय रहें, प्रजा को पानी और खाने पीने की चीज़ें बराबर मुहैया हों, वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस, आज की हुकूमतें प्रजा की कम और अपनी कुर्सी के लिए ज़्यादा फिक्रमंद हैं। हुकूमत और इनके सरबराह में भी वो सलाहियतें नहीं हैं जिनकी चाहत राम जी ने की थी। राम जी कहते हैं कि राजा सच्चा हो, क्रोधिष्ठ न हो, दूर दृष्टि वाला हो, प्रजा का दुख दर्द उतना ही समझता हो जितना के अपना, राजकोष से अपने ऊपर खर्च करने वाला न हो, प्रजा के हित में निर्णय लेने में देरी न करे, हर वक्त नॉलेज लेता हो और प्रजा में शेयर करता हो, प्रजा और राज्य की समृद्धि के लिए हमेशा चिंतित हो, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये पैदा होता है और ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज न राज्य ऐसे हैं न राजा ऐसे हैं जिनसे सही मानों में प्रजा की भलाई के काम हो रहे हैं। हम बात तो करते हैं खिलाफत और राम राज्य की, लेकिन अवाम की भलाई के काम से कोसों दूर हैं। वोट मांगने के लिए धर्म याद आता है और इसके लिए नफरत का माहौल भी बना देते हैं, लेकिन हुकूमत आने के बाद धर्म और धर्म गुरुओं की बातों को भुला जाते हैं। इसलिए हमें ये याद रखना है कि जिस राज्य में भलाई के काम न हो, इंसाफ का पालन न हो, अमन और शांति न हो, दूसरे मजहब के मानने वाले परेशान हो, तो वो हुकूमत अधर्मी ही कहलाएगी और उस हुकूमत की धर्म की बातें अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला ही रहेंगी। अब अवाम को चाहिए कि राज्य की भलाई और अमन व शांति की खातिर ऐसे हुकूमतों से बाज आएं जो धर्म को सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।